हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सावन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गुप्ता जी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डेवलप कर रहे हैं जो कि एक अर्निंग बेस्ड एंड्रॉयड एप्लीकेशन होगा। इसको हम बाद में प्ले स्टोर में भी अपलोड करेंगे और आपसे डाउनलोड भी कर पाएंगे। वैसे अभी मैं डाउनलोडिंग लिंक बाद में बनने के बाद मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन की मदद से हमारी क्या अर्निंग हो रही है आपके डाउनलोडिंग होने के बाद, इसका प्रूफ भी मैं आपको लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि इतने 500 मान लो कि डाउनलोडिंग होते हैं तो 500 डाउनलोडिंग होने के बाद कितने अर्निंग हो सकते हैं, एक आइडिया आप लगा लेंगे। इसके बाद आप एप्लीकेशन को डेवलप करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से डाउनलोड करवा लेते हैं, चाहे डाउनलोडिंग करने की जो भी आप माइंड अप्लाई करें ये तो आप पे डिपेंड करता है। क्या टेक्निक से वो आपको डाउनलोडिंग करवाना है, क्या टेक्निक से उसको रोज ओपन करवाना है ताकि बार बार ऐड आए, दिखे, खुले, क्लिक हो, उससे आपकी अर्निंग हो, तो उसी सब टाइप का मैं एक छोटा सा एप्लीकेशन यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। हमारी ये पूरी की पूरी सीरीज चल रही है, सैटरडे सैटरडे हम यहाँ पे एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट सीरीज की वीडियोज़ डालते हैं जो कि विकास वालिया चलाते हैं। तो अगर पिछले वाले वीडियोज़ में अगर आपने नहीं देखा है कि कैसे हम डेवलप करते हैं, थिंकेबल क्या है, क्योंकि ये थिंकेबल प्लेटफॉर्म पे ही काम कर रहा है, विदाउट कोडिंग हम लोग डेवलप करते हैं, तो जाके एक बार चेक कर लीजिए। वंदे मातरम दोस्तों, मैं विकास वाल्या फ्रॉम वाले एक्सप्रेस। आज हम इस वीडियो में अर्निंग ऐप बनाना सीखेंगे। हमने लास्ट वीडियो में एक ऐप बना के उसमें ऐड लगाना सीख लिया है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके देख लो। आज हम कुछ ऐसा ऐप बनाना सीखेंगे, इसे हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। पहले ये देख लो, कुछ ऐसा ऐप मीन्स यहाँ 1, 2, 3 आपको दिख रहा है, ये सारे क्या है, ये सारे बटन है जिस पे मैंने इमेज लगा के रखा है। ये सारे बटन है, यहाँ देख लो, ये बटन देख लो, ये बटन देख लो, इस पे इमेज लगा के मैंने रखा है। तो आज हम कुछ ऐसा ही ऐप बनाएंगे। मैं पहले बता दूँ, डिजाइन आपके हाथ में, आप कैसा डिजाइन बनाते हो, क्या क्या कर सकते हो। तो ये सारे डिजाइन है, आपको इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहले जाके आप इस ऐप को डाउनलोड करो और यूज करो, देन आपको पता चलेगा इस ऐप में है क्या। यहाँ पर बटन है जिस पे 1 का मैंने इमेज लगा के रखा है, जैसे देख लो बटन 1 पे इमेज में मैंने number1icon.png मैंने गूगल से इमेज डाउनलोड किया और लगा के रखा है, मैंने फ्री इमेज है। तो यहाँ पर अगर कोई बटन पे क्लिक करता है ना तो 10 ऐड आते हैं और यहाँ पर 10 ऐड मीन्स ऐड आएंगे तभी हम पैसा अर्न कर पाएंगे। तो सिंपल ये अर्निंग ऐप है और जैसे ही 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक ये टास्क कंप्लीट कर लेता है ना तो वहाँ पर एक बॉक्स आएगा जिसमें आपको नंबर देना होता है। अपना नंबर दोगे आपके डेटाबेस में वो नंबर चला जाएगा और आप अपने सब्सक्राइबर को मीन्स आप अपने यूजर को पेमेंट कर सकते हो। सिंपल ये ऐप है, आप जब तक यूज नहीं करोगे ऐप, जब तक टास्क 6 तक कंप्लीट नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ भी है, इसे भी फॉलो करना पड़ेगा आपको। तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैं अभी आपको इस ऐप का AIF फाइल भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में इस ऐप का AIF फाइल भी आपको मिल जाएगा। सिंपल आपको thinkable.com खोल लेना है और जैसे ही thinkable.com खोल लोगे ऐसा कुछ आ जाएगा तो ऐप्स पे क्लिक करके अपलोड ऐप प्रोजेक्ट .AIF फ्रॉम माई कंप्यूटर पे क्लिक करना है और आपने जो AIF फाइल अभी डाउनलोड किया होगा डिस्क्रिप्शन से उसे यहाँ पर चूज करके और अपलोड कर लेना है। जैसे ही अपलोड कर लोगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा आप में। ये स्क्रीन 1 है, यहाँ पर कुछ मेरा स्प्लैश स्क्रीन है तो ये अलग बात है, मैं आपको सब बताऊंगा। बट अभी अर्निंग ऐप स्टार्ट करना है हमें तो आपको सिंपल स्क्रीन 1, 2, 3 मैंने अभी स्क्रीन आपको जोड़ना नहीं बताया है। यहाँ पर स्क्रीन 1 है, स्क्रीन 3 है, पे है। आप स्क्रीन का नाम चेंज भी कर सकते हो। ऐड सिंपल हम स्क्रीन यहाँ से करते हैं, ऐड स्क्रीन पर क्लिक करते हैं और स्क्रीन 5, 6, 7 जो भी कर सके। मैंने ये बेसिक में बताया है, अगर आपने बेसिक नहीं देखा है जाके देख लेना। तो आप स्क्रीन 2 में आते हो, मतलब स्क्रीन 3 में, तो ये आपको मिल जाएंगे अगर आप AIF फाइल डाउनलोड करके इंपोर्ट कर चुके हो थिंकवर्ल में। आपको सिंपल करना क्या है, मीन्स अगर मान लो आपको भी ऐप नहीं बनाना तो आपको करना क्या है, यहाँ पर देखो इतने सारे एडमोब इंसर्शियल के मैंने कंपोनेंट लेके रखा है। यहाँ पर ऐड यूनिट आईडी है, यहाँ पर आपको सिंपल आप अपना ऐड यूनिट आईडी लगाना है। यहाँ पर तो ये सारे ऐड यूनिट आईडी मेरे हैं। अगर इस ऐप के AIF फाइल को आप अपने थिंकवर्ल में करते हो तो आपको सिंपल क्या करना है, इस ऐड यूनिट को चेंज करना है। आप अपना ऐड यूनिट लगाओ, मैंने वीडियो बता दिया कि ऐड यूनिट कैसे क्रिएट करते लगाते हैं। और जैसे ही सारे ऐड यूनिट को आप चेंज कर लेते हो, अपना लगा लेते हो, तो सिंपल क्या करना है। और हाँ, इसमें एक फायरबेस भी है, यहाँ देखो स्क्रीन पे में जाते हैं, मीन्स अगर टास्क 6 तक कंप्लीट कर लेता है तो फायरबेस का एक ऑप्शन ले रखा है मैंने, फायरबेस का ऑप्शन ले रखा है मैंने। टास्क 6 तक कंप्लीट हो गया तो फायरबेस में आपको फायरबेस यहाँ पर देखो URL देना होता है,
जिससे अगर बंदे किसी ने टास्क 6 तक कंप्लीट कर लिया है तो अपना नंबर देगा और आपको पेमेंट के लिए बोलेगा कि मैंने आपका टास्क कंप्लीट कर लिया, आप मुझे पेमेंट करो। अर्निंग ऐप यही होता है कि आप किसी का काम कर रहे हो, अगर किसी का काम मैंने कंप्लीट कर लिया तो आप मुझे अब पेमेंट करोगे, तो पेमेंट करने के लिए आपके पास नंबर आना चाहिए उस बंदे का। तो वो जब तक टास्क 6 कंप्लीट नहीं करेगा तब तक आपको नंबर नहीं भेज पाएगा। जैसे टास्क 6 तक कंप्लीट करेगा एक बॉक्स आएगा, टेक्स्ट बॉक्स यहाँ देख लो, और उसमें वो अपना नंबर डालेगा और वो नंबर आपको आएगा कैसे, फायरबेस के थ्रू। तो यहाँ फायरबेस का यूआरएल होता है, तो आप यूट्यूब पर सर्च करोगे हाउ टू क्रिएट यूआरएल फॉर फायरबेस फॉर थंकवल, देन आपको मिल जाएगा। आप मेरे चैनल पे भी ये मिल जाएगा आपको फायरबेस यूआरएल, बट मैं अभी फायरबेस यूआरएल का बात नहीं कर रहा, अभी मैं कुछ बेसिक बताऊंगा। बट मैं इस एआई फाइल को मॉडिफाई कैसे करना है वो बता दूँ सिंपल। अगर आप फायरबेस यूआरएल डाल लेते हो तो आपके फायरबेस में वो नंबर चला जाएगा जिसने जिसने टास्क 6 तक कंप्लीट किया होगा। बहुत ही सिंपल ऐप है, मैंने अभी आपको केवल समझाया है। आप एआई फाइल जाकर इंपोर्ट कर सकते हो अपने थंकवल पे और यहाँ तक काम कर सकते हो। तो इसी ऐप को आज हमें बनाना है, मीन्स थोड़ा बहुत सीखना है। तो आप सिंपल जाके इस ऐप को और एआई फाइल को देख लो। और अगर अब हम बात करते हैं इसका, तो मैंने इसके ब्लॉक में आप देख सकते हो बहुत कुछ, बड़ा ब्लॉक नहीं है ज़्यादा, आप देख सकते हो कुछ कमी है, यहाँ इतने सारे ब्लॉक है, आप चाहो तो समझ भी सकते हो जाके। बट आज हम आपको कुछ ट्रिक बता दें मैंने यहाँ किया क्या है। सिंपल हम अभी कोई भी खोल लेते हैं, मान लो कि यहाँ पर है मैं, अभी मान लो यहाँ पर हूँ मैं और मुझे अभी वो बटन 1 2 3 4 5 6 जो भी था मेरा, ये देख लो बटन, ये मुझे बनाना है, ठीक है। मैं 1 2 3 तक काम करूँगा। तो सिंपल हमें क्या करना है, अभी एक लेआउट ले लेते हैं, लेआउट हम अरेंजिंग के लिए लेते हैं कि स्क्रीन पे कैसा इफेक्ट हो इसका, ये आपके ऐप में नहीं दिखेगा। तो एक और हॉरिजेंटल ले लेते हैं हम लेआउट से अरेंजमेंट, और इसका विड्थ कर देते हैं हम यहाँ पर फिल पैरेंट, जिससे ये बड़ा हो जाए। अब इसमें हम 3 बटन लेंगे, बटन 1, बटन 2 और बटन 3, और इसका हाइट विड्थ आपको देखना है। तो चलो मैं सबका विड्थ कर देता हूँ, ऑटोमेटिक है तो फिल पैरेंट कर देता हूँ, तीनों जिससे एडजस्ट हो जाए, तीनों का मैं विड्थ कर देता हूँ फिल पैरेंट, और ये देखो तीनों एडजस्ट हो जाएगा हमारा। और ये देखो अब यहाँ देखो बटन 1 2 3 हमने ले लिया है। अब बटन 1 पे अगर आपको इमेज लगाना है तो यहाँ सिंपल देखो इमेज से लगा सकते हो, या बटन 1 पे आपको बटन 1 हटा के कुछ लिखना है तो टेक्स्ट पे 1 कर दो। तो यहाँ देखना मैं इंटर करूँगा और बटन 1 आ गया। टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3 आप कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको डिज़ाइन कैसा बनाना, मैं सिंपल अभी बता रहा हूँ। आप एआई फाइल अगर अपलोड करते हो तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं एआई फाइल दे रहा हूँ। टास्क 3 हो गया, तो ये देखो मैंने मान लो कि 1 पे क्लिक करेगा तो ऐड आएंगे, मान लो 10 ऐड आएंगे, और 10 ऐड आ गए उसके बाद टास्क 2 भी ओपन हो जाएगा, बटन 2 मेरा और उसके बाद बटन 3 भी। तो सिंपल है, अब मुझे कुछ करना नहीं है। ऐड आने के लिए मैं क्या लेता हूँ यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल में, एडमोब इंसर्शियल। आप चाहे तो बैनर बस दिखाने के लिए अच्छा लगता है तो एडमोब इंसर्शियल ले लेते हैं, हम जितना चाहे उतना ले सकते हैं एडमोब इंसर्शियल। और ये देखो चलो ये मैं 3 लेता हूँ, 3 का एग्जांपल अभी 4 चलो। और एडमोब इंसर्शियल लेने के बाद यहाँ पर क्या डालना है आपको, अपना ऐड यूनिट और टेस्ट मोड को हटा देना है, ऐड यूनिट डाल देना है सिंपल। और मैंने इसमें भी आपको यही करना है, आप अगर आप इस एआई फाइल को डाउनलोड करते हो ना तो बस आपको ऐड यूनिट चेंज करना है और कुछ नहीं, और सिंपल ब्लॉक में जाना है। और आपको करना क्या है, बटन 1 पे यहाँ देखो बटन 1 पे मैं गया, और जब वेन बटन 1 क्लिक तो क्या होना चाहिए, जब बटन 1 पे क्लिक हो तो क्या, सिंपल ऐड आ जाना चाहिए। तो एडमोब 1 पे जाएंगे ये इंसर्शियल पे, और कॉल था कॉल एडमोब इंसर्शियल 1 लोड ऐड। तो जैसे बटन 1 पे क्लिक होगा तो ये एडमोब इंसर्शियल 1 पहला मेरा ऐड लोड हो जाएगा। अगर आप एक बार क्लिक करना चाहते हो और 4-5 ऐड लोड करवाना चाहते हो, 4-5 ऐड है तो यहाँ पर जाना है फिर से, और ये दूसरा उठाना है, फिर ये तीसरा पे जाना है, फिर ये तीसरा लगाना है, फिर ये चौथा पे जाना है तो चौथा लगाना है। आप जितना चाहो एक क्लिक पे शो करवा सकते हो, मेरे ऐप में 4-4 या 5-5 है शायद, तो आप जाके उसे देख सकते हो। सिंपल यहाँ देखो इस ब्लॉक में जाते हैं, तो मैं यहाँ पर भी सेम ही काम किया हूँ। देखो जब बटन 1 पे क्लिक हो तो क्या होना चाहिए, 1 2 3 4 5 ये 5 ऐड है मेरे, वो शो होंगे आपको। और यही सिंपल सा लॉजिक है, जब बटन 1 पे क्लिक हो तो 5 ऐड शो हो जाएंगे। और मान लो यहाँ पर मैंने 4 ही लिया है, तो जब चौथा शो हो जाए, तो अभी देखो मैंने सिंपल क्या किया है, जब 1 शो हो जाए और यहाँ पर मान लो सिंपल शो हो गया मेरा 4 शो हो गया, तो अब बटन 2 मेरा यहाँ से मैं इसे इनेबल नहीं कर रहा हूँ। अभी मान लो कि मेरा स्क्रीन आया 1 2 3 लिखा हुआ है, तो केवल 1 इनेबल्ड हो, 1 ही काम करे, 2 3 पे काम नहीं कर सकते सीधे। तो अब सिंपल बटन 2 पे जाओ,
इनेबल्ड को हाइड कर दो, बटन थ्री पे जाओ, इसको भी इनेबल से डिजेबल कर दो। तो मींस इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्क्रीन अपीयर होता है तो केवल बटन वन ही काम करेगा, क्योंकि इनेबल बटन वन ही है, बटन टू थ्री इनेबल्ड नहीं है। तो बटन टू थ्री कब इनेबल्ड होगा? तो ये सेम कोडिंग इसमें है, आप देख सकते हो बटन फाइव, अभी मैं बताता हूँ यहाँ पर, तो कब होगा? जब बटन फोर, देखो एडमोव इंसर्शियल फोर जब लोड हो जाएगा, तो यहाँ देखो एडमोव इंसर्शियल फोर पे जाते हैं, और वेन एडमोव इंसर्शियल फोर एड लोडेड, जब ये एडमोव इंसर्शियल फोर जब लोड हो जाएगा, सिंपल सब जो, जब ये एड आ जाएगा तो हमारा बटन टू क्या होगा? तो बटन टू पे जाते हैं, और ये देखो सेट बटन टू का कोई भी हम ब्लॉक ऐसा उठा लेते हैं, और यहाँ देखो इनेबल्ड का ऑप्शन होता है यहाँ पर, ये देखो इनेबल्ड, तो इनेबल्ड पे जाते हैं और यहाँ पर इसे ट्रू कर देते हैं। ट्रू के लिए हम लॉजिक में जाएंगे और ट्रू कर देंगे, मतलब मान लो कि जब बटन वन पे क्लिक होगा तो ये चारों ऐड आ जाएंगे, जब ये चौथा ऐड शो हो जाएगा तो हमारा बटन टू इनेबल्ड हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, जो कि अभी मैंने फॉल्स कर रखा है बटन टू। यहाँ पर देखो ये बटन टू फॉल्स है, ये कॉमन है। मीन्स ये सिंपल से सिंपल में मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसा अर्निंग ऐप होना चाहिए। सिंपल है कि आप अगर कोई ऐप आपका खोले तो टू थ्री काम ना करे जब तक वन ना करे, तो सिंपल। तो बटन टू हमारा इनेबल्ड हो जाएगा और बटन थ्री भी हमारा अभी फॉल्स ही है, बटन थ्री नहीं हो रहा मेरा अभी फॉल्स। इसी तरह सेम क्या काम करना है, आप बटन टू मेरा जब इनेबल है तो जब बटन टू पे क्लिक करें तो फिर ये सब ऐड और शो होने चाहिए। तो यहाँ पर डुप्लीकेट करके आप लगा सकते हो सिंपल, या आप नया एडमोव इंसर्शियल फिर से ले लो और सब में से जाके कॉल कर सकते हो आप। तो फिर बटन टू क्लिक हो जाए और मान लो कि ये बटन एडमोव इंसर्शियल थ्री हमारा लोड हो चुका है। हाँ, और यहाँ पर एक बात ये भी देख लो, जब एडमोव इंसर्शियल फोर लोड हो जाए, ये वाला लोड जाए, तो बटन टू तो इनेबल ट्रू हो जाए बट बटन वन मेरा इनेबल फॉल्स रहे। तो बटन वन पर जाते हैं और सेट वाला ब्लॉक उठाते हैं और इसको टेक्स्ट से इनेबल्ड करते हैं और इसको यहाँ पर लगाते हैं कि बटन वन में इनेबल्ड क्या हो जाए, जिससे आप यहाँ से भी ट्रू को कॉपी करके और यहाँ लगा के और यहाँ से फॉल्स कर सकते हो। तो जैसे ही फोर लोड हो जाए ना, तो मेरा बटन वन इनेबल्ड फॉल्स हो जाए, जो इनेबल्ड था वो अब इनेबल्ड ना रहे, डिजेबल रह जाए। बटन वन पर क्लिक करेगा कुछ भी नहीं होगा, और बटन टू पर क्लिक करेगा तो वो ट्रू हो जाएगा, मीन्स अब बटन टू ट्रू हो जाएगा इस ऐड लोड होने के बाद, और बटन टू पर जब क्लिक करेगा तो फिर ऐड आएगा। तो सेम प्रोसेस है, सेम ब्लॉक है, आप यहाँ पर समझ सकते हो। मैंने यहाँ पर कुछ वेरिएबल का काम लिया है, क्योंकि अगर आपको पॉइंट शो करवाना है, मेरे ऐप में यहाँ पर पॉइंट भी शो होता है, अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं भी कुछ बड़ा है, आप जैसे ही ऐप इंस्टॉल करोगे ना तो वहाँ पर जितने ऐड आएंगे ना वो सारे काउंट भी होंगे। तो काउंट होने का सिस्टम मैं आपको आगे बताऊँगा, अभी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं कि लोड कैसे करवाया है मैंने और कैसे ट्रू फॉल्स करवाया है। इस सारे ऐप का हम सारे कंपोनेंट को आपको एक एक करके डील करेंगे, बट ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर आज ही इस वीडियो में हम पूरा करने का कोशिश करेंगे। अभी इस AIA फाइल को जाओ, मॉडिफाई करो, फायरबेस पे भी हम लोग आएंगे, और ऐड को कैसे काउंट करते हैं और पॉइंट को कैसे ऐड करते हैं, इस ऐप में पॉइंट भी आपको शो होगा लास्ट में, तो आप देख सकते हो, और बाद बाकी धीरे धीरे हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो चलो आज के वीडियो में बस इतना ही, और हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा, और इस सीरीज से जुड़े रहो, दो तीन वीडियो में मैं इस सारे ब्लॉक कंपोनेंट को आपको समझा दूंगा। बस अभी के लिए इतना ही।